Hello students, in this lecture I will discuss illustrations based on union, intersection and difference of sets. क्योंकि हमने last lecture में ये चीज तीनों discuss कर ली है, आज हम इस lecture में इनके basis पे illustration discuss करने वाले हैं. तो let's start with the first one. ठीक है, तो मान लिया मैंने set A is 2 close से 6 close, this close, and my set B is 4 close से let's say 8 close, दोनों मैंने close लिए. ठीक है, तो इसमें हम चार पार्ट कैलकुलेट करने वाले हैं. क्या क्या? A union B, second will be our A intersection B, third will be our difference A minus B, and fourth will be also our difference but B minus A. ये चारों हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं. तो let's start with the union first. अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. ठीक है, अभी हमारा स्टार्टिंग स्टेज है इसलिए हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं. जब हम हैबिचुअल हो जाएंगे, जब हमें बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हम विदाउट प्लॉटिंग इट ऑन नंबर लाइन ऑल्सो वी आर एबल टू आंसर इट. ठीक है, तो पहले तो हम अभी फॉर टाइम बीइंग हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे दोनों को. तो पहले मैंने सेट ए को प्लॉट किया, सो दिस इज 2 क्लोज से 6 क्लोज, दिस इज 2 क्लोज से 6 क्लोज, this is my set A. Set B is 4 close से 8 close, so this will be my 4 and this will be my 8, so 4 close से 8 close. ठीक है, अब आते हैं हम A union B पे. तो A union B में मैंने क्या बोला था कि this is a set containing elements which are present either in A or in B or in both. मतलब इसमें हम कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, कम से कम A और B में से एक ना एक में तो प्रेजेंट होना चाहिए. तो हम देखते हैं, तो मैंने इसके बेसिस पर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8. तो जो 2 से 4 है वो ऊपर वाले सेट से कवर हो गया, 4 से 6 है वो दोनों में है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो भी हमारा ए यूनियन बी में आएगा. प्लस 6 से 8 जो है वो नीचे वाले से कवर हो गया, तो 6 से 8 भी हमारा ए यूनियन बी में आएगा. तो इन दोनों का आंसर हमारा क्या आएगा, यूनियन, यूनियन विल बी 2 क्लोज से 8 क्लोज, यूनियन विल बी 2 क्लोज से 8 क्लोज. समझ में आया बच्चों? अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्शन में हम कौन से एलिमेंट लेंगे जो दोनों में प्रेजेंट है. तो इस डायग्राम के हिसाब से हम देख सकते हैं कि दोनों में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस वे, डैट डैट डैश लाइन, सो दिस विल बी माई 4. तो दिख रहा है ये वाले जो एलिमेंट है, इतना पार्ट जो है, दिस इज अ कॉमन पार्ट, क्योंकि 4 से 6 इस वाले में भी है, 4 से 6 इस वाले में भी है. जैसे मैंने बोला 2 से 4 जो है वो ऊपर तो है नीचे नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. सिमिलरली 6 से 8 वो नीचे है बट ऊपर नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा. बट जो 4 से 6 है वो ऊपर भी है अवेलेबल है, नीचे भी अवेलेबल है, इसका मतलब इंटरसेक्शन विल बी 4 क्लोज से 6 क्लोज. सो माय ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल्स टू 4 क्लोज से 6 क्लोज. समझ में आया? अब आते हैं हम ए माइनस बी पे. A माइनस बी पे, तो A माइनस बी के लिए इसको हमने कैसे डिफाइन किया था कि दिस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A, A के एलिमेंट्स विच आर नॉट इन B. मतलब हमें क्या करना है, A में से कुछ पार्ट हटाना है. कौन सा पार्ट हटाना है, जो A का B के साथ कॉमन है. दोबारा इसको जैसे हम वेन डायग्राम से पहले देख लेते हैं एक बार. वेन डायग्राम से मैंने उस दिन में बताया था व्हाइल टीचिंग थियरी. लेट्स से दिस इज माय सेट A, दिस इज माय सेट B, ये हमारा सेट A है, ये सेट B है. तो उस दिन मैंने क्या बताया था, A माइनस बी कौन सा पार्ट होता है, ये वाला, ये रेड शेडेड वाला, दिस इज माय A माइनस बी. ये कौन सा पार्ट है, A के एलिमेंट्स हैं, बट इसमें से मैंने कौन सा हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया. ये है कौन सा, A का B के साथ कॉमन है. दिस शेडेड पार्ट इज बेसिकली A माइनस बी. ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, A में से मुझे वो पार्ट हटाना है जो उसका B के साथ कॉमन है. तो 4 से 6 कॉमन पार्ट है, वो हम देख भी चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में. तो A में से मैं ये 4 वाला, 4 कॉमन 6 वाला पार्ट हटा दूंगा, तो A में से जब मैं इसको हटाऊंगा तो क्या बचेगा, 2 से 4 बचेगा. सो दिस विल बी माय 2 से 4. अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन. अब मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई ओपन कहां आएगा, क्लोज कहां आएगा. ठीक है, तो देखो 2 से 4 लेना है तो 2 पे तो क्लोज है A में, तो इधर तो 2 पे क्लोज आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ये तो. बट अब डिसाइड करना है 4 पे क्लोज आएगा कि ओपन आएगा. अब 4 जो कि जो बी सेट है, दिस इज सेट बी,
बी में अवेलेबल है, तो मुझे ए में से वो हटाना है जो बी के साथ कॉमन है, तो फोर जो एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट फोर वो दैट इज अ कॉमन इन बिटवीन ई एंड बी, हैज दिस हैज टू बी रिमूव, इसलिए इधर क्या आएगा ओपन, दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना, बहुत से बच्चे लोग इधर क्लोज लगाते हैं बट क्लोज नहीं आएगा, फोर पे ओपन आएगा बिकॉज फोर जो एलिमेंट है वो मुझे हटाना है ए सेट में से क्योंकि वो कॉमन है बी के साथ, ठीक है समझ में आया। अब तुम वीडियो पॉज करके वी माइनस ए लिखो और मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तुम पॉज करके लिखो और वेरीफाई करो कि सही है कि नहीं, अगर सही लिखा तो मतलब तुम्हें जो भी अभी तक पढ़ाया गया वो सब कुछ समझ में आया अच्छे से। तो आई विल राइट हियर बी माइनस ए, बी माइनस ए मैं लिखता हूँ ठीक है, तो बी माइनस ए मैं क्या बोलूंगा डेफिनेशन वाइज, बी में से मुझे ए हटाना है, मतलब दिस इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, मतलब बी में से मैं वो पार्ट हटा दूंगा जो उसका ए के साथ कॉमन है, तो ए के साथ बी में से कौन सा पार्ट हटाऊंगा कॉमन वाला, कॉमन वाला क्या है 4 से 6 वाला कॉमन है, तो 4.8 में से मैं 4.6 हटा दूंगा तो क्या बचेगा 6 टू 8 बचेगा, तो दिस विल बी 6 टू 8। अगेन अब टास्क क्या हमारा ओपन कहाँ आएगा क्लोज कहाँ आएगा, तो देखो 8 तो है इधर तो 8 पे तो क्लोज आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अब डिसाइडिंग मीन्स है कि 6 पे क्या आएगा ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, तो जो 6 एलिमेंट है 6 जो सिंगल एलिमेंट 6 है वो ए में प्रेजेंट है इधर क्योंकि इधर डार्क सर्कल है फील्ड सर्कल है, तो इसका मतलब 6 हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हम ए बी में से क्या हटाते हैं जो इसका कॉमन है ए के साथ, 6 इज द एलिमेंट विच इज कॉमन, हैज दिस एलिमेंट हैज टू बी रिमूव, देयरफॉर हियर ओपन विल कम, अच्छे से समझना वो चीज ओपन क्यों लिखा मैंने 6 पे ठीक है ना, जैसे कि इधर मैंने 4 पे ओपन लिखा था वैसे ही इधर 6 पे ओपन, दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ये इलस्ट्रेशन, नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ठीक है, आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। अब कुछ और इलस्ट्रेशन लेते हैं, लेट्स से मेरा जो सेट ए है दैट इज 4 क्लोज से 6 ओपन एंड दिस सेट इज माय लेट्स से 6 क्लोज से 8 ओपन ठीक है, मैंने एक इलस्ट्रेशन ये लिया ठीक, अभी तुम एक काम कर सकते हो पॉज करके चारों पार्ट लिख सकते हो, मैं सॉल्व करता हूँ इसको ठीक है, तो फर्स्ट आई व्हाट आई विल डू आई प्लॉट दीज टू सेट ऑफ नंबर लाइन, तो मैंने ए सेट को प्लॉट किया नंबर लाइन पे, तो दिस इज 4 क्लोज तो दिस इज माय 4 इधर क्लोज आएगा और 6 पे ओपन है तो 6 पे ओपन, दिस इज माय सेट ए। अब मैं प्लॉट करूंगा सेट बी, तो इसी के नीचे मैंने सेट बी को प्लॉट किया 6 क्लोज से है तो इसी के नीचे आएगा 6 तो इधर तो 6 पे क्लोज है 6 क्लोज से एंड 8 ओपन 8 पे ओपन है, ये हो गया मेरा सेट बी, दिस इज अ सेट ए दिस इज अ सेट बी। अब मुझे क्या निकालना पहला पार्ट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या होता है हमें कौन से एलिमेंट लेने होते हैं जो किसी भी एक में प्रेजेंट हो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, तो 4 से 6 तक तो ऊपर वाले ने कवर कर लिया, 6 से लेके 8 तक नीचे वाले सेट ने कवर कर लिया, तो इन दोनों का जो यूनियन आएगा यूनियन दैट इज क्या आएगा दैट इज ए यूनियन बी, कितना आएगा हमारा ए यूनियन बी कितना आएगा 4 क्लोज से 8 ओपन। अब कोई बोलेगा 6 को ले या नहीं ले, तो 6 को लेंगे, क्यों लेंगे भले ही 6 ऊपर वाले सेट में तो नहीं है लेकिन नीचे भी तो प्रेजेंट है, हैंस यूनियन ऑफ दीज टू सेट विल बी 4 क्लोज से 8 ओपन, 8 पे ओपन आएगा क्योंकि 8 इधर भी नहीं है ऊपर वाले में भी नहीं है, तो हैंस हमारा आंसर इज 4 क्लोज से 8 ओपन यूनियन ऑफ दीज टू सेट, समझ में आया। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन पार्ट पे, इंटरसेक्शन में क्या बोला था व्हाट इज इंटरसेक्शन एलिमेंट्स विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा, तो अब देखा 4 से 6 ओपन तक तो ये सेट है और ये 6 क्लोज से 8 है तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कोई बोलेगा कि नहीं 6 एलिमेंट है क्या कॉमन, तो 6 भी नहीं है, क्यों नहीं है 6 ऊपर वाले में कवर नहीं है, 6 से पहले वाले इसमें है नीचे वाले में नहीं है, 6 के बाद इसमें है इसमें नहीं है, हैंस ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जिसको हम डिनोट करते हैं फाइ से, इसमें कुछ भी नहीं है नॉट अ सिंगल एलिमेंट ठीक है ना, डोंट राइट 6
सिक्स नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज सिक्स ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में है, बट हमें इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं हम, एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन ए एंड बी बोथ, हेंस इंटरसेक्शन इज फाइव। समझ में आया? अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट विल बी ए माइनस बी। अच्छा, अब ए माइनस बी में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, दिस इज सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, मतलब ए में से हम वो पार्ट हटा देंगे जो उसका बी के साथ कॉमन है। अच्छा, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा जो कॉमन पार्ट है वो फाइव है, तो बेसिकली ये क्या बचेगा, दिस इज एट सिर्फ। ए में से हम क्या घटाएंगे, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, कॉमन फाइव है, हेंस दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओनली, हेंस अवर आंसर विल बी फोर क्लोज से सिक्स ओपन। समझना है, इंपॉर्टेंट समझना ये चीज, ठीक है। अब हम लिखते हैं फोर्थ पार्ट विच इज बी माइनस ए, तो डेफिनेशन वाइज बी माइनस ए को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, तो बी में से मैं वो एलिमेंट हटा दूंगा जो कॉमन है ए के साथ, बट कॉमन तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, हेंस अगेन दिस विल बी बी इटसेल्फ, दिस विल बी बी इटसेल्फ, तो बी हमारा क्या है, सिक्स क्लोज से एट ओपन। समझ में आया, ठीक है, पॉज करो वीडियो, नोटेड डाउन, मैं अगले प्रॉब्लम पे जंप करता हूं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो मान लिया मैंने इधर, इधर मैंने ले लिया लेट्स से टू ओपन से थ्री क्लोज, एंड हियर आई हैव टेकन, चलो इसको हम वो लिख लेते हैं, और दिस इज फोर ओपन से फाइव ओपन, ठीक है। पॉज करो वीडियो, चारों के आंसर लिखो एंड वेरीफाई इट, ठीक है ना, मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला काम, सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग है, वी विल प्लॉट दीज टू सेट ऑफ नंबर लाइन, तो इधर टू पे ओपन, फोर पे क्लोज, दिस सेट ए, सेट बी इज, इसी के नीचे सेट बी को प्लॉट करते हैं, फोर इधर ओपन है। अच्छा, ओपन क्लोज को लाइटली मत लेना, ओपन और क्लोज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, अगर ओपन के क्लोज लगा दिया तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो फोर ओपन से फाइव ओपन, इसलिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्या बताया था तुम्हें, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है ना, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इधर हमारा क्लोज है, दिस इज फोर क्लोज, तो ए यूनियन बी स्टार्ट करते हैं हम। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, अगेन वो एलिमेंट्स जो किसी भी एक में प्रेजेंट हो, कम से कम एक में, तो टू से फोर, टू ओपन से फोर क्लोज ऊपर कवर हो गया, फोर से फाइव नीचे कवर हो गया, तो हेंस अवर यूनियन विल बी ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, टू ओपन से फाइव ओपन, दिस विल बी टू ओपन से फाइव ओपन। समझ में आया? नाउ इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन के लिए क्या बोला था मैंने, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों सेट के बीच में, तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अभी, इसमें क्या है, टू से फोर क्लोज, इसमें फोर ओपन से फाइव, तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन। कोई बोलेगा फोर कॉमन है क्या, तो फोर भी नहीं है, बिकॉज फोर ऊपर वाले में है बट नीचे नहीं है, हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट फाइव एम्प्टी सेट। समझ में आया? अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या था सेट, दिस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, इसमें से हमें एक ए सेट में से हमें वो एलिमेंट्स हटाने हैं जो बी के साथ कॉमन है, और हमने इससे पहले वाले पार्ट में क्या देखा, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओनली, दिस विल बी इक्वल्स टू ए ओनली। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी टू ओपन से फोर क्लोज, ठीक है। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, दैट इज बी माइनस, अब तो सेम कैटेगरी हो गया, यू कैन इजिली राइट डाउन, बी में से हम कौन सा हटाएंगे जो उसका ए के साथ कॉमन है, और कॉमन तो कुछ भी नहीं है, हेंस दिस विल बी इक्वल्स टू बी ओनली, सो दिस विल बी माय बी ओनली, हेंस द आंसर इज फोर ओपन से फाइव ओपन। समझ में आया? ठीक है, तो
पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, मैं रैप करके दूसरा इलस्ट्रेशन लेता हूँ। ठीक ठीक है, तो अब हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट सेट। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इन दोनों सेट को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट किया, दिस इज एलिमेंट वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर एंड दिस इज फाइव। नंबर इट वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब मैं सेट बी को प्लॉट करूंगा। सो बी के अंदर हमारे तीन एलिमेंट हैं, फोर फाइव एंड सिक्स, फोर फाइव एंड सिक्स। ठीक है, तो पहले पार्ट पे आते हैं। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, द एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो पहले हम लिखते हैं यूनियन वाला फर्स्ट पार्ट। तो वन टू एंड थ्री, ये तीन एलिमेंट्स हमारे सेट ए ने कवर कर दिए। फोर और फाइव दोनों में प्रेजेंट है, तो वो भी इसमें आएगा। और जो सिक्स है वो सेकेंड वाले सेट में प्रेजेंट है, हेंस वो भी आएगा इसमें। तो फाइनली हमारे जो यूनियन है उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, टोटल छह एलिमेंट्स आएंगे। वो क्या क्या होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दिस विल बी माई ए यूनियन बी। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट में। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं हम, कॉमन एलिमेंट्स। तो डायरेक्टली दिख रहा है कि कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या है, दो ही एलिमेंट्स कॉमन है विच इज फोर एंड फाइव, हेंस आंसर इज फोर कॉमा फाइव। समझ में आया। अब आते हैं हम ए माइनस बी में। तो ए माइनस बी को मैंने क्या बोला था, ए माइनस बी क्या होता है, दिस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मतलब हम ए में से कौन से पार्ट हटा देंगे जो उसका बी के साथ कॉमन है, और बी के साथ कॉमन क्या है, फोर और फाइव। तो इसका मतलब ए में से हम फोर और फाइव हटा देंगे, तो बचेगा क्या, वन टू एंड थ्री, हेंस दिस विल बी अवर वन टू एंड थ्री। ये तीन एलिमेंट्स हमारे ए माइनस बी में होंगे। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी में से हम क्या हटाएंगे, जो ए के साथ कॉमन है, ए के साथ कॉमन क्या है, फोर और फाइव, और बी के अंदर थे क्या, फोर फाइव एंड सिक्स। तो इसमें से हम फोर और फाइव हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली सिक्स सिंगल एलिमेंट। तो बी माइनस ए विल बी जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, दैट इज सिक्स। समझ में आया। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो आई रब दिस। चलो एक दोबारा हम एक बार कंटिन्यूस सेट पे जंप करते हैं। आई विल टेक वन मोर इलस्ट्रेशन ऑन कंटिन्यूस सेट। तो लेट से दिस माई सेट इज फ्रॉम टू टू थ्री ओपन एंड दिस इज थ्री ओपन से फाइव क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों सेट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सो सेट ए क्या होगा हमारा, टू क्लोज से थ्री ओपन, टू क्लोज से थ्री ओपन। एंड सेट बी क्या होगा, थ्री ओपन से फाइव क्लोज। ठीक है, अब हम लेते हैं पहला यूनियन। तो यूनियन में क्या आएगा हमारा, कॉमन रो, सॉरी ए यूनियन बी में क्या आएगा, एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो टू से लेके थ्री तक तो इसमें कवर हो गया, और थ्री से लेके फाइव तक इसमें कवर हो गया। सो हम क्या लिखेंगे, टू यूनियन क्या हो जाएगा, टू क्लोज से फाइव क्लोज। अच्छा एक मिनट के लिए, अभी ये इनकम्प्लीट आंसर है, क्या ये आंसर करेक्ट है। तो व्हाट इज द आंसर, तुम सोचो कि जो मैंने लिखा है टू क्लोज से फाइव क्लोज, इज इट यूनियन ऑफ दीज टू सेट। पॉज करो, सोचो, मैं अभी बताता हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो इसमें जो थ्री एलिमेंट है, एलिमेंट थ्री, एलिमेंट जो थ्री है वो क्या है, हमारा ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी में हमारा थ्री नहीं आएगा। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एलिमेंट दैट इज थ्री फ्रॉम दिस। समझना इसको ध्यान से, या फिर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, टू क्लोज से थ्री ओपन यूनियन, थ्री ओपन से फाइव क्लोज। दीज टू आर इक्वल ओनली, दोनों तरीके करेक्ट है लिखने के, ये और ये। इसमें तो हमने क्या किया, टू से फाइव पूरा ले लिया, बट इसमें हमारा जो एलिमेंट थ्री था वो आना नहीं था, तो उसको हमने अलग से सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें हमने डायरेक्टली उन दोनों का यूनियन लिख दिया। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं हम, कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कोई बोलेगा थ्री एलिमेंट, तो थ्री तो होगा ही नहीं, वो तो दोनों में ही नहीं है, हेंस जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी फाइव। कुछ इंटरसेक्शन नहीं होगा हमारा, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी फाइव, दैट इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। समझ में आया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे।
विच इज ए माइनस बी. तो ए माइनस बी में क्या लिखते हैं, द एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी. मतलब ए में से हम वो पार्ट हटा देते हैं जो उसका बी के साथ कॉमन है. तो ए में तो टू कॉमन से टू क्लोज से थ्री ओपन है, बट हमने इससे पहले वाले पार्ट में देखा इंटरसेक्शन इज फाइव. तो ए में से हम कुछ नहीं घटाएंगे, इसका मतलब ये हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा, दैट इज टू क्लोज से थ्री ओपन. समझ में आया. आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे, बी माइनस ए. तो बी माइनस ए क्या होगा, एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए. मतलब बी में से हम कौन सा पार्ट हटाएंगे जो उसका ए के साथ कॉमन है, और ए के साथ कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, फाइव एम्प्टी सेट है ये. तो दिस विल बी अवर बी ओनली, हेंस द आंसर इज थ्री ओपन से फाइव क्लोज. समझ में आया. अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे जंप करते हैं. अब एक काम करते हैं, एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का. तो लेट मी राइट इट. लेट से मैंने ये वाला कंटिन्यूअस सेट लिया, टू क्लोज से लेट से फोर क्लोज, एंड हियर आई हैव टेकन फोर कॉमा फाइव. दो ही एलिमेंट ले रहा हूँ मैं इसमें. तो मेरा क्या क्लोज इंटरवल है, टू कंटिन्यूअस सेट ए एंड बी इज माई डिस्क्रीट सेट. तो पहला काम, दोनों को आई विल प्लॉट इट ऑन नंबर लाइन. सो टू क्लोज से फोर क्लोज, दिस इज टू क्लोज से फोर क्लोज, दिस इज माई सेट ए, एंड सेट बी इज कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट, फोर और फाइव. केवल दो ही एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है इसमें, ठीक है. तो पहला पार्ट हम लिखते हैं ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी, एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी. तो टू से फोर तक तो इसमें कवर हो गया, और एक फाइव बचा, तो फाइव अलग से हम यूनियन लिख सकते हैं. तो इसको हम आंसर कैसे लिखेंगे, टू क्लोज से फोर क्लोज, बट इसमें मेरा भी फाइव बाकी है, फाइव भी आना चाहिए. तो इसको मैंने अलग से लिया, सिंस इट इज डिस्क्रीट एलिमेंट, तो इसको अलग से ऐड करके लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में, यूनियन फाइव. समझ में आया. अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज इंटरसेक्शन. तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या है. तो इसमें तो हो गया टू से फोर क्लोज, इसमें केवल दो ही एलिमेंट है फोर और फाइव. तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए, केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है विच इज फोर. हेंस इंटरसेक्शन विल बी ए इंटरसेक्शन बी विल कंटेन ओनली अ सिंगल एलिमेंट, दैट इज फोर. ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे विच इज ए माइनस बी. इसमें क्या लिखते हैं, दिस इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी. तो इसमें से ए में से हम वो पार्ट हटा देंगे जो उसका बी के साथ कॉमन होगा. तो ए में से हम कॉमन पार्ट क्या है, फोर. तो ए में से केवल फोर हटाएंगे, दैट मीन्स माई आंसर विल बी टू क्लोज से फोर ओपन. ध्यान देना, ठीक है ना. इधर मैंने ओपन लिखा है, क्यों, क्योंकि फोर मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि फोर इज इन सेट बी. अब लिखते हैं हम फोर्थ पार्ट विच इज बी माइनस ए. तो बी माइनस ए में क्या आएगा, एलिमेंट्स ऑफ बी में से क्या हटाएंगे हम, जो उसका ए के साथ कॉमन है. ए के साथ कॉमन क्या है, फोर. तो बी के अंदर तो दो एलिमेंट थे फोर और फाइव, और फोर जो है वो कॉमन है, तो फोर हटा देंगे, तो बचेगा क्या, केवल एक सिंगल एलिमेंट, दैट इज फाइव. समझ में आया. सो दैट्स इट अबाउट द इलस्ट्रेशन. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. सो थैंक यू सो मच. और कोई भी दिक्कत हो, कोई सा भी, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.